मरने से पहले लक्ष्मण को जीवन की 10 सबसे बड़ी सीख दे गया था रावण। दोस्तों, हम सभी रावण को बुराई का प्रतीक मानते हैं और उसे घृणा भी करते हैं, लेकिन इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता है कि रावण एक विद्वान पंडित था जिसे ज्योतिषी के अलावा तंत्र विद्या का भी पूर्ण ज्ञान था। इसीलिए तो जाते जाते भी रावण ने लक्ष्मण को जीवन की 10 ऐसी सीख दी जिसे किसी के लिए भी जानना किसी वरदान से कम नहीं है। दरअसल रामायण में वर्णित है कि जब रावण अपने अंतिम समय में था तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को अपने पास बुलाया और कहा था कि रावण नीति, राजनीति और शक्ति का महान ज्ञाता है। ऐसे समय में जब वो संसार से विदा ले रहा है तो तुम उसके पास जाकर जीवन की कुछ शिक्षा लो जिससे तुम्हारा जीवन सफल हो सके। अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण जी रावण के पास जा पहुंचे, जहां रावण ने उन्हें 10 ज्ञान की बातें बताई। पहला, शुभस्य शीघ्रम। रावण ने लक्ष्मण को पहली शिक्षा देते हुए कहा कि शुभ कार्य करने में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। जैसे ही किसी शुभ कार्य का चिंतन हो या मन में विचार आए, उसे तुरंत कर डालना चाहिए। इसके उलट अशुभ कार्य को जितना टाला जाए उतना सही है। अगर लोग आपको कोई कार्य करने से मना कर रहे हैं तो उस कार्य को करने से पहले पुनः जरूर सोचना चाहिए, अन्यथा वही हाल होगा जो आज मेरा हुआ है। दूसरा, शत्रु को नहीं समझे छोटा। लक्ष्मण को रावण ने जो दूसरी सीख दी वो ये थी कि कभी भी अपने प्रतिद्वंदी या शत्रु को खुद से छोटा या कमतर नहीं समझना चाहिए। रावण ने स्वीकार किया कि ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी कि उसने भगवान श्री राम को आम मनुष्य समझा। अगर वो अपने अहंकार में चूर ना होता और राम जी को अपने से कमजोर नहीं समझता तो शायद वो बच सकता था। तीसरा, कभी ना बताओ रहस्य। विद्वान रावण ने लक्ष्मण जी को तीसरा ज्ञान देते हुए कहा कि हमें अपना रहस्य किसी से भी साझा नहीं करना चाहिए। जैसे मेरे मृत्यु से जुड़ा रहस्य यदि मैं किसी को नहीं बताता तो आज मेरी मृत्यु नहीं होती। मैंने ये रहस्य अपने भाई को भरोसा करके बताया था, लेकिन उसने ये रहस्य भी भगवान श्री राम को बता दिया, जिस कारण मैं आज मृत्यु शैया पर पड़ा हूँ। चौथा, शक्ति को हमेशा अर्जित करें। लक्ष्मण को चौथी सीख देते हुए रावण ने कहा कि अपनी शक्तियों को हमेशा अर्जित करते रहना चाहिए, ना कि उसे खंडित होने देना चाहिए, क्योंकि ये हमारी शक्तियां ही है जिनके बूते पर हम राज कर सकते हैं। इसीलिए लक्ष्मण, तुम अपनी शक्ति को बराबर कायम रखना। पांचवा, हमेशा नई खोज करें। लंका नरेश रावण ने पांचवी सीख दी कि मनुष्य को हमेशा नई नई खोज या नए नए आविष्कार करते रहना चाहिए। मैंने अपने जीवन में कई तरह की खोज की। मैं तो सोने में सुगंध भरने पर भी विचार कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। लेकिन तुम नई नई खोज करते रहना, क्योंकि इससे न सिर्फ तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा बल्कि समाज में होने वाले सम्मान में भी वृद्धि आ जाएगी। छठा, तपस्या से अर्जित होगा सब कुछ। रावण ने छठी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा देते हुए कहा कि कोई भी मनुष्य तपस्या से कुछ भी हासिल कर सकता है। जैसे मैंने तपस्या कर कई तरह के वरदान प्राप्त किए थे, इसीलिए मनुष्य को सदैव तप या मेहनत करते रहना चाहिए। सातवां, इष्ट देव की हमेशा पूजा करें। सातवीं सीख देते हुए रावण ने कहा कि मनुष्य को एक इष्ट देव की भक्ति जरूर करनी चाहिए। जैसे मैंने भगवान शिव की भक्ति की थी और उन्हीं की भक्ति के फलस्वरूप मुझे इतना ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगर कोई मनुष्य विद्वान और शक्तिशाली बनना चाहता है तो उसे अपने एक इष्ट देव की आराधना जरूर करनी चाहिए। रावण ने ये भी कहा कि भले ही सम्मान सभी भगवानों का किया जाए, लेकिन इष्ट देव एक ही होना चाहिए। आठवां, आयुर्वेद का ज्ञान जरूर होना चाहिए। मृत्युशैया पर लेटे रावण ने आगे कहा कि मनुष्य को आयुर्वेद का ज्ञान जरूर होना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद एक बड़ा ज्ञान है जिसके जरिए हम अपना प्राथमिक उपचार या फिर शारीरिक परेशानियों को स्वयं भी कर सकते हैं। नौवां, लगन का पक्का होना जरूरी। रावण ने कहा कि मनुष्य को हमेशा लगन का पक्का होना चाहिए, अर्थात अगर उसने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तो उसे हासिल करने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। पथ में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, लेकिन मनुष्य को कभी भी अपने पथ से भटकना नहीं चाहिए। जो मनुष्य अपने लक्ष्य और लगन का पक्का होता है उसे विजयी होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दसवां, हमेशा करें शास्त्रों का अध्ययन। अंतिम सीख देते हुए रावण ने कहा कि इस दुनिया में शास्त्रों से बड़ा ज्ञान का भंडार कोई नहीं है। ये हमारे शास्त्र ही हैं
जिनमें हर प्रश्न का उत्तर मिलता है। इसीलिए अगर किसी मनुष्य को सबसे बड़ा ज्ञानी बनना है तो वो शास्त्रों का अध्ययन जरूर करें। तो दोस्तों, ये थी वो 10 सीख जो रावण ने अपने अंतिम समय में लक्ष्मण को दी थी। और अगर आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इन्हें अपने जीवन में जरूर अपनाएं।